हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अभी न्यू अपडेट आया है, जिसमें ई मित्र, क्योसेक, ओबीसी, SC ST, EWS के प्रमाण पत्र, अभिन्न पटवारी की रिपोर्ट भी बना सकते हैं। और उनके जो फॉर्म थे वो फॉर्म चेंजिंग हुए, उनका imitar.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर भी डाउनलोड सेक्शन में वो आपको फॉर्म अपलोड मिल जाएंगे। और कुछ चेंजिंग किया है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी जस्ट 15 मिनट पहले ये अपडेट आए हैं और इन अपडेट को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो हमें बताएं और लाइक बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी मित्र क्योंसेक को यह सूचना मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि न्यू अपडेट जितने भी मित्र पर आते हैं मैं आपको तुरंत बता दूं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन वीडियो को मिल जाए कि किस प्रोसेस के द्वारा ये होना। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पर और क्या क्या चेंज हुए हैं वो हम जानते हैं। तो हमारी ये जो है इसमें दिख रहा है, ई मित्र जाति प्रमाण पत्र बनाने के नियम हुए आज चेंज। पटवारी की रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। अगर आपके पास कुछ अन्य डॉक्यूमेंट है वो हैं, तो आप वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, फुल आप वीडियो देखें लास्ट तक। और उन उनके द्वारा भी आप अब जाति प्रमाण पत्र बना सकते हो बिना पटवारी की रिपोर्ट से। तो ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेंगे वो भी मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या चेंज हुए फॉर्म में सब। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या क्या चेंज हुए हैं। सबसे पहले हमें imitar.rajasthan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है हमें। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है। यहाँ भी ई मित्र पोर्टल की जो मेन वेबसाइट है उस पर भी कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे वो आपको जो रेड अक्षर दिखाई दे रहे हैं ऊपर मेन पोर्टल पर, इन इन सुविधा को आपके यहाँ पोर्टल पर जारी कर रखे हैं, तो आप सीधे यहाँ से इनकी सेवा ले सकते हैं। हमें जाति प्रमाण पत्र की डिटेल देखनी है कि इनमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो वो सब हमें डाउनलोड सेक्शन में मिलेंगे। और देखते हैं कि कहाँ पर ये आए हैं और किस नाम से इनको सेव किए गए हैं। वो जो पुराने फॉर्म थे उनको अब हटा दिए गए हैं और न्यू फॉर्म अपलोड कर दिए गए हैं, वो भी अभी अभी जस्ट 15-20 मिनट हुई हैं। मैं अभी तुरंत वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप राजस्थान में आने वाले RT-PCR की रिपोर्ट देख सकते हो और उनके फॉर्म वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड सेक्शन ओपन होने के बाद में यहाँ पर आप सर्च में जो भी आपको कास्ट देखनी है उसका नाम टाइप करना है, जैसे OBC, SC ST या EWS। जैसे मैं OBC का दिखा रहा हूँ आपको, तो OBC टाइप करें।
ये आपके पास ओबीसी का न्यू फॉर्मेट आ गया है। यहाँ पर आप ये निर्देशिका है, यहाँ पर अप्लाई किस प्रकार फॉर्म अप्लाई करें और आवेदन प्रपत्र है हिंदी में, इस पर आप क्लिक करें और आपके पास में फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो कुछ ये पॉइंट है ये तो सेम ही है। इसमें जो हमारा फॉर्मेट खुलता है जो ऑनलाइन, उसी के अनुरूप इनके पॉइंट दे दिए गए हैं। जो पहले कुछ पॉइंट थे उनको अब सभी को यहाँ पर फॉर्म के ऊपर दे दिए गए हैं। यहाँ पर नीचे आप आओगे तो यहाँ पर जो शपथ ग्रहीता दो गवाह के थे और एक पटवारी का था, उसमें कुछ चेंजेस किए, जैसे गवाह है दो उनका तो है, यहाँ शपथ ग्रहीता है। और तीसरा पॉइंट है अगर जाति की पुष्टि है तो प्रमाण पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का भूमि जमाबंदी या अन्य कुछ रजिस्टर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है तो ही आपको पटवारी की रिपोर्ट करवानी है। अगर वो जमाबंदी वगैरह आपके पास है तो यहाँ पटवारी रिपोर्ट की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिना पटवारी रिपोर्ट के ही आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और उनका जो जमाबंदी है वो लगाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जो पटवारी की रिपोर्ट है उसके स्थान पर। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, ये आज के सबसे बड़े चेंजेस हैं जो आपको मैं बताया हूँ, वो भी एंड टू एंड। तो प्लीज वीडियो शेयर कर दें।